हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू केमिस्ट्री चैम्स तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ हर्बिसाइड्स सो हर्बिसाइड्स होते क्या हैं हर्बिसाइड एक पेस्टिसाइड है जिसको हम यूज़ करते हैं अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए मतलब जो अनावश्यक प्लांट्स पौधे वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड और जो ये हर्बिसाइड है इसको वीड किलर्सर्स भी कहा जाता है ओलेट सो right. so, हर्बिसाइड किस तरीके से वर्क करते हैं हर्बिसाइड दो तरीके से वर्क करते हैं या तो कॉन्टैक्ट या फिर सिस्टेमिक एक्शन से सो so फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्टैक्ट सो कॉन्टैक्ट ये जो होते हैं ये फास्ट एक्टिंग हर्बिसाइड होते हैं और ये वीड्स को किल कर देते हैं ऑन इट्स एप्लीकेशन और इनका जो वर्क है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बट जो इफेक्टिव होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है मतलब इफ़ेक्ट हमको बहुत कम मिलेगा लिमिटेड मिलेगा बट ये जो हरबी साइड है ये फास्ट एक्टिंग होते हैं ऑल राइट देन नेक्स्ट इज़ सिस्टेमिक सो इसके अंदर क्या होता है ये वो केमिकल हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी पौधे के ऊपर या प्लांट के ऊपर सो so, ये सिस्टेमिकली अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये एकदम से अटैक या किल नहीं करता वीड्स को सो so, ये सबसे पहले अब्जोर्व हो जाता है थ्रो रूट्स एंड वैक्सी सरफेस एंड ये सभी पार्ट्स जितने भी प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है और जो फंक्शन होते हैं वीड्स के उनको शट डाउन कर देता है ओलेट देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड सो हर्बिसाइड टू टाइप्स के होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स को सो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो होते हैं जो कि किल करते हैं स्पेसिफिक टारगेट को मतलब एक डिज़ायर्ड क्रॉप को ही ये हार्म करेंगे और बाकी की जितनी भी हमारी क्रॉप होगी वो एज इट इज़ अनहार्म रह जाएगी सो so, ये जो केमिकल है इसको स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट किया गया है लाइक like, कुछ ग्रासेस या फिर ब्रोड लीफ वीड्स को किल करने के लिए ऑलराइट सो right? so, ये जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते अदर प्लांट और स्पीसीज़ के लिए सो so, जब हम सिलेक्टिव हर्बिसाइड को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमको उसका जो प्रोडक्ट लेबल है उसको रीड कर लेना चाहिए ताकि हमको ये कंफर्म हो जाए कि हम एक स्पेसिफिक टारगेट को ही किल कर रहे हैं ताकि हमारी जो फसल है वो किल ना हो जाए इस हर्बिसाइड की वजह से इसीलिए हम जब सिलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमको प्रोडक्ट लेबल देख लेना चाहिए ताकि ये कन्फर्म हो जाए विच टाइप ऑफ प्लांट यू वॉन्ट टू एलिमिनेट ऑल राइट एंड जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड का जो इफ़ेक्टिवनेस है ये डिपेंड करता है डोज के ऊपर हम कितनी डोज प्रोवाइड कर रहे हैं और टाइमिंग क्या है हम उसको किस टाइम अप्लाई कर रहे हैं ओल राइट सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड के वो हम देख लेते हैं सो फर्स्ट इज़ टर्फलोन एस्टर अल्ट्रा सो ये जो हर्बिसाइड है ये एक पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है जो कि बेस्ट वर्क करता है ब्रॉड लीफ वीड्स को किल करने के लिए ओलेट लाइक वाइन्स के अंदर भी जो वीड्स होते हैं इनको किल करने के लिए भी टेरफ्लोन एस्टर अल्ट्रा यूज होता है लाइक कुड्जू एंड ई वाई बी ई वाई दैट इज लाइक पौधों में एक बेल भी होती है उसको किल करने के लिए ये हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं ओलेट नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज टी जोन एसी सो so, ये जो टी जोन एस सी ये जो है केमिकल कम्बिनेशन से मिला है विद डिफरेंट केमिकल सो ये सिलेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम शो करता है अबाउट टफ वीड्स लाइक इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वीड्स के ऊपर एक्ट करते हैं सो so, सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ ट्राइक्लोपर ये कंपाउंड जो है ये किल करता है ग्राउंड आईवीवाई मतलब ग्राउंड के ऊपर जितनी भी बेल्स वगैरह होती हैं एंड वाइल्ड वोलेट ओग्जिल्स जो भी घास फूस होती हैं वाइल्ड ब्लैकबेरी मतलब जो वाइल्ड शैतूत होती हैं उनको ये किल करते हैं नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज़ सल्फेट सल्फेंट्राजोन सो ये जो केमिकल है ये रिस्पॉन्सिबल है किल करने के लिए वीड्स को लाइक like, वीड्स की स्पीसीज इसके अंदर आ जाती हैं सो वीड्स की कौन कौन सी स्पीसीज हैं स्पर्ज वाइट क्लोवर डेंडलियंस सो ये वीड्स की स्पीसीज है जिसको सल्फेंट्राजोन किल कर सकता है नाउ इस केमिकल के अंदर थर्ड जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ टू फोर डी ये टारगेट करता है लाइक like, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को कर्लिंग या ट्विस्टिंग कर देते हैं सो इन वीड्स को किल करने के लिए जो केमिक जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है दैट इज़ टू फोर डी इन्ग्रीडियंट नाउ ये जो केमिकल है इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज़ डिकाम्बा सो ये जो फोर्थ कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ टफ वीड्स जो टफ वीड्स होती है इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है इनकी ग्रोथ को रोकता है एज रीचेज टू लीव्स एंड रूट सो so, ये लीव्स एंड रूट्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है जिसकी वजह से ये इनहिबिट करता है टफ वीड्स के ग्रोथ होने से नाउ अब हम देख लेते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या होते हैं सो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को हम यूज़ करते हैं वेस्ट ग्राउंड के ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रेलवेज में एंड ये किल कर देते हैं जितने भी प्लांट इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं लाइक like, हमने नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड को यूज़ किया किसी भी एरिया में तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे जब वो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड के कॉन्टैक्ट में आएंगे ओलाइट सो right? so, ये सारे पौधों को या सारे प्लांट जितने भी होते हैं उनको नष्ट कर देता है ओलेट right? so, सो ये हर्बिसाइड्स जो है स्पेशली डिज़ाइन है एलिमिनेट करने के लिए ब्रॉड रेंज ऑफ वीड्स एंड प्लांट्स को किल करने के लिए स्पेशली डिजाइंड है और जो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है ये दो तरीके से एक्शन करता है वर्क करता है फर्स्ट बाय कांटेक्ट सेकेंड इज सिस्टेमिक सो इसके नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड के कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज राउंड प्रो जिसको हम ग्लाइफोसेट भी बोलते हैं सो so, ये जो ग्लाइफोसेट है ये एक सिस्टेमिक पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है जो कि किल करता है पेरिनल वीड्स को सो so, ये वीड की एक प्रजाति है उसको ये किल करता है एंड इसका मेन एडवांटेज ये है ये जो केमिकल है राउंड अप प्रो सो ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है ये सिर्फ प्लांट्स को ही किल करता है ये हार्म नहीं करता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस को सो so, ये इसका मेन एडवांटेज है राउंड अप प्रो का और सो टॉक्सिसिटी जो है राउंड अप प्रो की बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और प्लांट्स के ऊपर जब हम स्मॉल अमाउंट स्प्रे करते हैं सो ये इन इसके आसपास पौधों के आसपास जो भी वीड्स होते हैं उनको किल कर देते हैं और यहाँ पे वीड्स की जो यहाँ पे स्पीशीज़ है दैट इज़ ऑर्नामेंटल्स ऑल राइट नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिवार्ड सो रिवार्ड ऑल्सो एक पोस्ट इमरजेंट वीड किलर है जो कि वर्क करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लाइक like, इसको हम अप्लाई करते हैं और जिसके भी कॉन्टैक्ट में ये आता है सो तो ये किल कर देता है उन वीड्स को या प्लांट्स को और लाइट सो इसका स्मॉल स्प्रे जो है कॉज कर देता है एक्सट्रीम हार्म टू ऑर्नामेंटल्स सो ये वीड्स जिसकी प्रजाति है ऑर्नामेंटल्स इनको किल कर देता है एंड ये ये जो हर्बिसाइड है ये सेंसिटिव नहीं है टेम्परेचर के लिए बट ये रिलेटिवली डेंजरस है एज कम्पेयर टू राउंड प्रो सो जो राउंड प्रो था वो टॉक्सिक नहीं था एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए बट ये जो रिवायड वाला जो हर्बिसाइड है ये वाला बहुत ज़्यादा डेंजरस है टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल राइट नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट हर्बिसाइड्स वो देख लेते हैं सो so, कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हर्बिसाइड जो हैं बैन हैं बिकॉज़ इनका परसिस्टेंस सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा है और इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है और ग्राउंड वाटर के अंदर इसके बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन मिले हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हर्बिसाइड बैन है एंड हर्बिसाइड को हम ऑल्सो यूज़ करते हैं वॉरफेयर में एंड कॉन्फ्लिक्ट में मतलब हम युद्ध में या हम संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं और कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे होते हैं जब जो हमको नेचुरल मिलते हैं लाइक जीनस जगलनस सो जीनस जगलनस एक हर्बिसाइड है जो कि हमको मिलती है वॉलट से मतलब अखरोट जो होता है उससे हमको ये हर्बिसाइड्स मिलती हैं हर्बिसाइड को हम एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ करते हैं लाइक like एग्रीकल्चर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं लैंडस्केप टर्फ मैनेजमेंट मतलब हम इसको यूज़ करते हैं लाइक like कोई भी हमारे पास एक खाली स्पेस प्रेजेंट है और वहाँ पे घास वगैरह उगाने के लिए भी हम हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं ओलाइट right, अभी हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन सो क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड ये फाइव चीज़ों के ऊपर बेस्ड है सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन सेकेंड इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन मोबिलिटी फोर्थ इज बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड फिफ्थ इज बेस्ड ऑन मोलिकुलर स्ट्रक्चर सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन सो ये टू टाइप्स का है फर्स्ट इज सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड एंड सेकेंड इज फोयलेज अप्लाइड हर्बिसाइड सो फर्स्ट में क्या है सोइल अप्लाइड हर्बिसाइड सो so, इस हर्बिसाइड को हम क्या करते हैं सॉइल के अंदर अप्लाई कर देते हैं एंड देन ये एक्ट करते हैं रूट्स के ऊपर और जो अंडरग्राउंड पार्ट है वीड्स के उसके ऊपर एक्ट करते हैं और वीड्स को किल कर देते हैं सो so, इसका एग्जाम्पल है फ्लूक्लोरेलिन एंड सेकेंड इज़ फोयलेज अप्लाइड हर्बिसाइड सो so, ये वो हर्बिसाइड है प्राइमली एक्टिव होते हैं किसी भी प्लांट के फोलेज के ऊपर मतलब जो प्लांट्स का जो एक समूह होता है उसके ऊपर ये अप्लाई किए जाते हैं और ये किल कर देते हैं वीड्स को और लाइट एंड इसका एग्जाम्पल है ग्लाइफोसेट नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन सो ये हम स्टडी कर चुके हैं ये टू टाइप्स के होते हैं मोड ऑफ़ एक्शन में सिलेक्टिव हर्बिसाइड एंड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड सो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं सो सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं लाइक like हमने कोई भी एक मिक्स ग्रोथ प्लांट है और वहाँ पे हमने इस स्पीसीज को अप्लाई किया सो so क्या होगा एक सम जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया है सिर्फ वही किल होंगे लाइक like अदर जो स्पीसीज होगी जिस चीज़ के लिए सिलेक्टिव हर्बिसाइड नहीं बना है वो हार्म नहीं होगी अदर जो स्पीसीज होगी वो इंजर नहीं होगी और सो so इसका एग्जाम्पल है एट्राजिन नाउ द नेक्स्ट इज़ नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड सो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं मेजोरिटी ऑफ ट्रीटेड वेजिटेशन मतलब जितनी भी वेजिटेशन इस हर्बिसाइड के कॉन्टैक्ट में आती हैं सो so वो सबको डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंड इसका एग्जाम्पल है पैराक्वेट सो द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोबिलिटी सो ये टू टाइप्स के हैं फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड सेकेंड इज सिस्टेमिक हर्बिसाइड और इसको हम ट्रांस लोकेटेड हर्बिसाइड्स भी बोल सकते हैं सो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स क्या होते हैं सो so, ये वो हर्बिसाइड है लाइक like ये जिस भी प्लांट के जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट में आएंगी उस प्लांट को वहाँ किल कर देंगी मतलब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हैं किसी भी प्लांट के और वहाँ से ये उस प्लांट को किल कर देती हैं एंड इसका एग्जाम्पल है पैरा नाउ द सेकेंड इज सिस्टेमिक हर्बिसाइड सो सिस्टेमिक हर्बिसाइड क्या है ये हर्बिसाइड मूव कर सकता है ट्रीटेड पार्ट टू अन ट्रीटेड पार्ट लाइक like हमने एक जगह पे अप्लाई किया इस हर्बिसाइड को सो so ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्रॉम होल ऑफ दिस प्लांट और उसको ये किल कर देगा एंड इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ ग्लाइफोसेट। नाउ अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन सो ये फोर टाइप्स में डिवाइडेड है फर्स्ट इज प्री प्लांट एप्लीकेशन सो इसके अंदर हम क्या करते हैं इस हर्बिसाइड को हम यूज़ करते हैं बिफोर क्रॉप प्लांटेशन मतलब हमने क्रोप की प्लांटेशन नहीं की है उससे पहले इस हर्बिसाइड को हमने यूज़ किया है सो so क्या होगा ये सोइल के ऊपर एप्लीकेशन हम इसका करेंगे सो फोइलर एप्लीकेशन यहाँ पे डन हो जाएगा जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे वीड्स वगैरह होंगी वो किल हो जाएंगी अपने आप ड्यू टू दीज प्री व्लान्ट एप्लीकेशन एंड इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ फ्लू क्लोरोन नाउ द नेक्स्ट इज प्री इमर्जेंस। सो ये वो हर्बिसाइड है लाइक like जो हम क्रॉप के ऊपर या फिर वीड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं वीड्स या फिर क्रॉप के उगने से पहले मतलब उसके पैदा होने से पहले जो हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं प्री इमर्जेंस। बिकॉज यहाँ पे वीड्स जो हैं इमर्ज इमरजेंस उनका नहीं हुआ है इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंस ऑल सो so, इसका एग्जाम्पल है लाइक like हम स्प्रे कर रहे हैं एट्राजिन को थ्री थर्ड डेट किसके ऊपर शुगर केन के ऊपर सो so, इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ प्री इमरजेंस टू केन क्रॉप ऑल राइट और इसके प्री प्लांट इमरजेंस के कुछ एग्जाम्पल है लाइक एट्राजिन ब्यूटा क्लोर सो द नेक्स्ट वन इज लोस्ट इमरजेंस सो ये हर्बिसाइड हम कब यूज़ करते हैं लाइक like, हमारी जो क्रॉप है वो पैदा होनी शुरू नहीं हुई है और वहाँ पे वीड्स जो हैं उनका इमरजेंस स्टार्ट हो गया है मतलब वहाँ पे वीड्स आनी शुरू हो गई हैं सो so, अब हम क्या करेंगे क्रॉप हमारे पास है नहीं एंड देन वहाँ पे वीड्स है सो so, इस टाइम पे जो हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस बिकॉज यहाँ पर हमने पहले ही हर्बिसाइड को यूज़ कर लिया है एज़ कंपेयर टू यहाँ पर हमारे पास जो हमारी क्रॉप है वो उसकी पैदावार होनी स्टार्ट नहीं हुई है एंड इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ हमने यहाँ पे स्प्रे किया है टू फोर डी एन ए सोल्ट किस को कंट्रोल करने के लिए पैरासिटिक वीड को एंड किसके अंदर शुगर केन के अंदर इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं पोस्ट इमरजेंस और लाइट अगर हम इसी तरीके से बात करें हमारी जो फसल है उसकी पैदावार हो चुकी है देन इसके बाद हम 10-15 दिन बाद हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी हर्बिसाइड लाइक like हमने पैराक्ट को अप्लाई किया सो so, क्या होगा इसको हम बोलेंगे अर्ली पोस्ट इमरजेंस बिकॉज यहाँ पे हमारी जो फसल है या क्रॉप है उसकी पैदावार हो चुकी है लाइक like यहाँ पे प्लांटिंग हो चुकी है पोटैटो की एंड देन हमने यहाँ पे यूज़ किया है पैराक्ट वीड्स को किल करने के लिए सो so, इसको हम बोलेंगे अर्ली पोस्ट इमरजेंस एंड इसके कुछ एग्जाम्पल है ग्लाइफोसेट पैराक्ट टू फोर डी एन एसॉल्ट ओल नाउ द फोर्थ वन इज़ अर्ली पोस्ट इमरजेंस जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है लाइक like, यहाँ पे हमने पैरा को यूज़ किया है कंट्रोल करने के लिए वीड्स को आफ्टर टेन टू फिफ्टीन डेज आफ्टर प्लांटिंग पोटैटोज सो इसको हम बोलते हैं अर्ली पोस्ट इमरजेंस ऑल लाइट नाउ द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मोलिकुलर स्ट्रक्चर सो ये टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सो दैट्स ऑल दिस फॉर टू वीडियो होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी सो so, इसको लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच